कांग्रेस की समीक्षा बैठक से वापस लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शुक्रवार खड़गे साहब और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठे थे। उस बैठक में वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। मीटिंग में जो बातें हुई उसको लेकर कुमारी शैलजा ने नेशनल मीडिया में जो बयान दिया था वही बयान हम सबका है। चुनाव के नतीजे की समीक्षा भी हुई और चर्चा भी हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए गए। उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया पर तंज कसा कि जिस तरह आप लोगों को नए मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार है उसी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सभी ने अपने विचार व्यक्त किया और हमने कमियों के बारे में आला कमान को अवगत कराया है। हाँ, लोकसभा के बारे में चर्चा हुई, आगे हम लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और ये बात वहाँ मीटिंग में, ठीक है। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है, अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वो सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, वो बंद कमरे की बात थी, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, सभी अपने अपने बातें रखें और चर्चाएं हुई हैं, तो बस और आलाकमान को जो जो कमियां रही वो हमने अवगत करा दी। सर, इन फाइटिंग जो है खुल के दिख रही है। नहीं देखिए, वो एलिगेशन लग गया कि उन्होंने कैश लिया है। नहीं देखिए, ये तो अब कमियां दिखेगी, लेकिन हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम नियम कानून से बंधे हुए हैं, हम लोग अनुशासन में बंधे हुए हैं। कोई भी बात है पार्टी के अंदर आके बात करना चाहिए। इस तरह से सर्जन कुछ आरोप लगाना ये कहीं भी पार्टी हित में नहीं है।